मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर कहा था कि भाई मैं 500 सब्सक्राइबर जब मेरे हो जाएंगे तब मैं क्यू एन ए अपलोड करूंगा। वैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर 5 दिन पहले हो गए थे, लेकिन अभी क्यू एन ए नहीं आ सका था बिकॉज अभी मुझे बीमार हो गया था, मुझे बुखार हो गया, गला खराब हो गया। अभी वैसे मेरा गला खराब है लेकिन फिलहाल मेरा बुखार उतर गया, तो सबसे मैं आ गया फिर वीडियो बनाने। तो काफी सारे अभी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने पिक भी कर लिए, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम वेयर डू यू टेक दीस क्लिप्स। तो जितनी भी क्लिप्स होती है लेता तो मैं सारी की सारी यूट्यूब से ही हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत चैनल के नाम बता देता हूँ जो कि अच्छी क्लिप्स भी देते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं मारते हैं, तो इस वजह ताकि तुम लोगों के लिए भी आसानी हो जाए वीडियोज़ तो ज़्यादा ढूंढने का टाइम भी ना लगे। तो जो पहला चैनल है वो है cricket.au.com। इसके बाद जो अगला चैनल है वो है पाकिस्तान सुपर लीग। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स सेंट्रल, PCB, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। ये सारे जो चैनल है कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारते, इसके अलावा और भी चैनल होंगे लेकिन मैं तो ज्यादा इन चैनल्स के क्लिप यूज करता हूँ। आई होप तुम लोगों को इजीली क्लिप्स मिल जाएगी तुम लोगों की एडिटिंग के लिए। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो के है योर एज। तो जो मेरी एज है वो है 10 से ज्यादा 20 से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जानी वीडियो का थंबनेल कहाँ से बनाते हो? तो इससे सवाल ये पूछा है थंबनेल कहाँ से बनाते हो, यानी सिर्फ ऐप का नाम पूछा है, ट्यूटोरियल तो नहीं मांगा, तो सिर्फ ऐप का ही नाम बताया। तो वैसे ट्यूटोरियल कभी फ्यूचर में बनाएंगे, किसी और बंदे ने पूछ लिया तो बना देंगे ट्यूटोरियल भी। वैसे तो खैर मैं थंबनेल बनाता हूँ पिक्सआर्ट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बंदे का पहला क्वेश्चन है व्हाट्स योर एज, तो मैं पीछे बता चुका हूँ। दूसरा इसका क्वेश्चन है हु इज मोस्ट अंडररेटेड इन बीट सिंह। तो देखो भाई मेरे ख्याल से क्रिकेट डायरेक्टर 3.0, क्योंकि भाई जो उसका चैनल था क्रिकेट डायरेक्टर का 2.0 वाला, मतलब इससे पहले जो चैनल था उसके पास मोर देन 5K सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला चैनल बंद करके जब नया वाला खोला उसके पास सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आई थिंक वो हु इज़ योर फेवरेट बॉलर एंड बैट्समैन। तो बॉलर जो मेरा फेवरेट है वो है नसीम शाह और बैट्समैन बाबर आजम। फोर्थ क्वेश्चन है योर टॉप 3 फेवरेट प्लेयर्स। तो मेरे जो टॉप 3 फेवरेट प्लेयर हैं वो है बाबर आजम, रिजवान एंड नसीम शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है योर फेवरेट प्लेयर 1 बैट्समैन, 1 बॉलर एंड 1 ऑलराउंडर। तो देखो मुझे बैट्समैन बाबर आजम, बॉलर बता चुका हूँ पीछे नसीम शाह, और ऑलराउंडर एक नए। तो देखो मुझे ऑलराउंडर दो अच्छे लगते हैं, एक इफ्तिखार अहमद और एक इमाद वसीम। और कोई एक सेलेक्ट करना हो तो इमाद वसीम ज़्यादा बेहतर है, तो इमाद वसीम माई फेवरेट ऑलराउंडर। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, थैंक यू। माई क्वेश्चन इज आमिर और शाहीन, बाबर और विराट और शाहीन और नसीम। तो जो पहला है आमिर और शाहीन, तो देखो ज़्यादा प्लेयर अच्छा आमिर है लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा शाहीन लगता है, तो शाहीन। तो बाबर और विराट में ज़्यादा अच्छा प्लेयर बाबर नहीं है, ज़्यादा अच्छा प्लेयर विराट है, लेकिन फिर भी बाबर। और उसके बाद फिर नसीम एंड शाहीन में ज़्यादा बेहतर नसीम है, और मुझे ज़्यादा अच्छा नसीम ही लगता है, ज़्यादा बेहतर शाहीन है लोग ये समझते हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि ज़्यादा बेहतर नसीम बॉलिंग आजकल करा रहा है, तो नसीम शाह। ठीक है भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रो आप कॉपीराइट नहीं आता? तो देखो कॉपीराइट दो अलग अलग तरीके के होती है, एक तो भैया कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कॉपीराइट क्लेम। अब बंदे ने एग्जैक्ट पूछा नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक है कॉपीराइट क्लेम। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक की बात कर रहे हैं तो मेरे पिछला एक चैनल था जिसके बारे में हम वीडियो की तरह आगे बात करेंगे, जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक थी वहाँ से उड़ गया था। और कॉपीराइट क्लेम की बात करते हो तो वो इस चैनल की भी हर वीडियो के ऊपर आता है, लेकिन इस चैनल की किसी वीडियो के ऊपर अभी तक कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे ज़्यादा वीडियोज़ का इस्तेमाल करता हूँ ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मेरा चैनल उड़ चुका था। लेकिन हाँ कॉपीराइट क्लेम मेरी हर वीडियो के ऊपर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ योर गोल। जैसा मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि आगे जाके वीडियो में तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो वो स्टोरी है भैया जैसे मेरा गोल पूछा है। मेरा जो गोल है वो बड़ा सिंपल सा है, एक चैनल है बहुत बड़ा चैनल है जिसको तुम सब जानते होंगे, उस चैनल का नाम है ICC। उस चैनल से मैंने कुछ वीडियो ज़्यादा पुराने चैनल के ऊपर अपलोड की थी, मतलब पूरी उठा के कॉपी पेस्ट तो नहीं की थी, एडिट वेडिट करके फिल्टर शिल्टर लगा के थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए थे अपने उस चैनल के ऊपर, और ICC ने उन सब के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी थी। 8 वीडियोज़ के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की अपील की थी, जिनमें से 2 वीडियोज़ पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई। फिर मैंने चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस थी ICC वाली या जितनी भी क्रिकेट वाली क्लिप्स थी, मैं डर गया था क्योंकि चैनल पूरे डिलीट हो जाएगा, 7,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उस चैनल के ऊपर। तो मैंने उसके ऊपर से जितनी उस तरह क्रिकेट वाली वीडियोस थी वो सब मैंने हटा दी, उसके ऊपर सारा गेमिंग भी करते थे तो गेमिंग वाली उसके ऊपर वीडियोज़ थी, लेकिन जितनी भी क्रिकेट वाली वीडियोज़ थी उस पर से मैंने डिलीट कर दी। फिर उसके बाद मैंने वापस अपलोड करना स्टार्ट की थी 1-2 महीने के बाद, जब कॉपीराइट स्ट्राइक ख़त्म होने वाली थी तब मैंने वापस अपलोडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन तब मेरे व्यूज़ बिल्कुल 0 हो गए थे,
और बिल्कुल कोई रीच ही नहीं बढ़ रही थी, बिल्कुल मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तब मैंने ये वाला नया चैनल खोला था और मेरा 7,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल पूरा ही ज़ाया हो गया था ICT की वजह से। तो मेरा जो गोल है वो ये है कि मुझे ICT को सब्सक्राइबर्स के अंदर बीट करना है, उनसे आगे निकलना है। ऑब्वियसली ICT के सब्सक्राइबर सब 13 मिलियन होंगे, जितना मैंने लास्ट टाइम देखा था शायद उनके 11 मिलियन थे, अब शायद उनके 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मेरा 500 है। तो भैया बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी गोल पूछे तो भैया गोल तो गोल है। और ऐसा कुछ नहीं है कभी सब्सक्राइबर में ICT को बीट कर देने से ICT को कोई फ़र्क पड़ता है, ICT वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे थोड़ा अंदरूनी सुकून मिलेगा। तो इस वजह से मेरा ये गोल है कि मुझे ICT वालों को सब्सक्राइबर के अंदर बीट करने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं कोई, क्योंकि वीडियो हमारी यहाँ पे एंड हो चुकी है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे लेकिन जितने मैंने पिक किए वो सारे के सारे यही थे। इसके अलावा आज वीडियो के अंदर इतना ही, जितने तुम लाइक करना चाहते हो तुम लोग लाइक कर सकते हो। न्यू प्यारी प्यारी एडिट आने वाली है, मैं कुछ चेंज भी करने वाला हूँ अपनी एडिट्स के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाय। तुम्हारी वीडियो के दरमियान में एक क्वेश्चन आया था कि आपको कॉपीराइट नहीं पड़ती, तो उसका मैंने उसको तरह से दे दिया था कि हाँ मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ती, कॉपीराइट क्लेम हर वीडियो के ऊपर आता है। लेकिन जब मैं वीडियो शूट की थी तब मैंने बताया मैं बीमार था, वीडियो स्टार्ट करते मैंने तुम लोग को बताया, तो मैं 3-4 दिन के बाद ही आया कि आधी वीडियो मैंने पहले शूट की थी और आधी वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, और ये जो आधी वीडियो मैंने पहले शूट की थी उसके अंदर वो क्वेश्चन आया था, और अब मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। बाय।